मेरा नाम देवेश मुंडेपी है। मैं आदर्श अपार्टमेंट सेक्टर 3 पॉकेट 16 द्वारका का RWA का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। आज जब DDA के कुछ पदाधिकारी यहाँ आए और हम लोग साइट पे गए उनको लेके, तो हमें जो कुछ रूट कॉज है वो उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल हुई। जानकारी ये हुई कि ये जो शुरुआत हुई, जो समस्या की वो शुरुआत हुई सेक्टर 2 रेड लाइट पर, जो सीवर लाइन की लीकेज की वजह से रोड धंस गई, उसका जब काम शुरू हुआ DDA और दिल्ली जल बोर्ड के पदाधिकारियों के बीच में एक MOU साइन होता है, जिसमें ये अंडरस्टैंडिंग थी कि DDA तो इसको रिपेयर करेगी, यहाँ का पूरा काम करे, सड़क बनाएगी, लेकिन जो सीवर का पानी लगातार बह रहा है उसको रोकने के लिए और उसका कुछ अल्टरनेट वे ढूंढने के लिए, दूसरा रास्ता सीवर के पानी के लिए, ये काम दिल्ली जल बोर्ड को करना था। इसके लिए दो जगह पर रोका लगाया गया, जो दिल्ली जल बोर्ड का काम था। हमारी जो पाइपलाइन जो मधुविहार नाले से जाती है, पालम नाले से जाती है, वहां पर वो मेन ड्रेन को तोड़ा गया, वहां पर DDA ने रोका लगाया। अब पानी की निकासी का काम दिल्ली जल बोर्ड को करना था, दिल्ली जल बोर्ड ने कुछ काम किया नहीं। उन्होंने जगह जगह जो सीवर की पाइपलाइन थी, जो मधुविहार की थी, जो नाले के ऊपर से बह रही थी, उनको उन्होंने काफी पहले ब्रेक कर दिया था, जो हमें आज समझ में आया है कि क्या वजह थी उसकी। उन्होंने वो पानी, उनका पानी तो नाले में गिर दिया, लेकिन जो रोका लगाने की वजह से अब जब बारिश ज्यादा हो गई और पानी ज्यादा है सीवर में, तो सेक्टर 5 की सोसाइटियों का पानी, जो सीवर का पानी है, वो उल्टा बहते हुए आदर्श अपार्टमेंट के सीवर में आया और अभी हमें आदर्श अपार्टमेंट का एक सीवर भी टूटा हुआ मिल गया, जिसमें से दिल्ली जल बोर्ड ने अपना सीवर का पानी हमारे बरसाती नालों में डाल दिया। वो नालों में डालने से हमारा जो कमांड टैंक है, जहां पर DDA की मोटरें लगी हैं पानी की निकासी के लिए, वो पर्याप्त नहीं हुई। पूरा रात मोटर चला, हमें लगा कि सुबह खाली हो जाएगा। DDA के ऑफिशियल्स भी परेशान थे कि खाली क्यों नहीं हो रहा, तो पता चला कि सारा ये उल्टा बह रहा, पूरा सीवर सेक्टर 5 का, मधुविहार का, राजापुरी का, हमारे यहाँ बैकफायर कर रहा है। अभी इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा और सॉल्यूशन किया कि नवीन अपार्टमेंट के आगे नाले के पास उसको सीवर लाइन को एक और जगह तोड़ा गया, वहां सिर्फ मामूली 5 HP की जो मोटर पंप लगी है वो लगा दी गई और 50 HP की पावर का मोटर पंप जिसकी जरूरत नहीं है वो सेक्टर 2 रेड लाइट पे लगी हुई है। हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो एटलीस्ट अब इतना तो करें कि 50 HP की जो मोटर जो सेक्टर 2 रेड लाइट पे लगी है उसको उठाकर यहाँ लाया जाए, ताकि वो सीवर का पानी जो बैकफायर कर रहा है वो हमारे यहाँ ना आए, और 5 HP का वहां लगा दीजिए, वहां जो थोड़ा बहुत दो सोसाइटियों का पानी सिर्फ आ रहा है वो 5 HP की मोटर से चला जाएगा। साथ साथ जल्दी से इन सीवर लाइन को जोड़ा जाए, क्योंकि बरसात आने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट आज हमने